बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक उस्मान वदान है। मैं टीम लीडर हूँ अन इंक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। ये कंपनी दुबई में बेस्ड है। हम लोग इंक मैन्युफैक्चरर हैं फॉर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं टू डेकोरेट। हम लोग दुबई में बेस्ड हैं और हमारा ब्रांच ऑफिस जो है वो लाहौर में है। हम लोग यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं यहाँ पे और उनको हम लोग इंक सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये एग्जीबिशन था 3P का, जो कि हमारा बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग रहा। बड़ी अच्छी रिस्पांस मिली और यहाँ पे हमारे पैकेजिंग इंडस्ट्री के कई मसाइल हैं इंक्स से रिलेटेड, और हमें उसकी जो है वो नाउ हाउ आ गई है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। हमारे कस्टमर्स हमारे साथ बड़े खुश हैं फ्रॉम द क्वालिटी एंड सर्विसेज। और जिनको जो नए कस्टमर हैं, जिनकी इंक्वायरीज आई हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो वी लुक फॉरवर्ड के उनको अच्छी सपोर्ट और अच्छी इंक्स जो हैं वो सप्लाई करें और उनको टेक्निकली सपोर्ट करें ताकि अच्छी पैकेजिंग उनकी बने। तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ और प्रिंटिंग दोनों के साथ अटैचमेंट है। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेकोरेट करें प्रिंटिंग इंडस्ट्री को भी और साथ साथ में फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री को भी। तो अगर वो वोल्टा ओसाका को आप ले लें या आप नेस्ले और KFC बास्किन रॉबिन्स इनके पैकेजिंग को ले लें तो भी हमारे इनके साथ जो है वो प्रिंट हो रहे हैं, चाहे वो लिप्टन हो चाहे दूसरे प्रोडक्ट्स हों। तो ऑलमोस्ट फूड एंड प्रिंटिंग एंड दूसरे पैकेजिंग जो है वो हमारी सब एक वेस्ट रेंज है हमारे प्रोडक्ट्स का। ऑलमोस्ट 12 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, डिफरेंट एप्लीकेशंस को जो है वो कवर कर रही है। अच्छा सर, इसमें जो आपके लिए प्रोडक्ट है ये टोटली आप पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या बाहर से भी कुछ इसका रॉ मटेरियल वगैरह बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं? जी, हमारा हेड ऑफिस UAE में है, दुबई में, और हम लोग वहाँ पे इंक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हमारे रॉ मटेरियल्स वर्ल्ड वाइड से आते हैं। मेजॉरिटी उसमें 30-40% जो है वो फारीस से है एंड द रेस्ट इज़ ऑल फ्रॉम यूरोप एंड अदर कंट्रीज़। तो हमारी मार्केट जो है वो सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया है इस वक्त, और वी लुक फॉरवर्ड हम ग्रो कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एज वेल। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग दूसरे कॉन्टिनेंट को भी अप्रोच करेंगे। पाकिस्तान में अब आपको आए पार्टिसिपेट किया है तो अब यहाँ पे लोकल मार्केट्स को भी आप लोग अप्रोच कर रहे हैं और कुछ आप समझते हैं कि कुछ आपको इसमें मार्केट कैप्चर करने का? बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। द मार्केट इज़ वाइड ओपन फॉर अस। यहाँ पे अच्छी कंपनीज़ हैं, जैसे क्रिस्टलाइट है, स्पेल है, PSL है, मेहरान प्लास्टिक है, इस तरह के CPI, ये हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं। वोल्टा एंड ओसाका ये हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, और भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। दूसरी बात ये कि हम लोग अभी सीरियसली यहाँ पे हमारी सेल्स काफ़ी बढ़ गई हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे लाहौर में समवेयर इन कायद आज़म और सुंदर में अपना एक सेटअप बनाएं और मैन्युफैक्चरिंग करें और कंट्रीब्यूट करें इस अपने मुल्क के साथ यहाँ की इकोनॉमी में। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे बल्क मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड वी विल एक्सपोर्ट टू दुबई एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री लगी है वो बेचारे बड़े परेशान हैं इसके लिए। यहाँ पे यूटिलिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, और जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इंडस्ट्री मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते रेट के हवाले से, तो मतलब आप इन हालात में इंडस्ट्री मजीद लगाने की सोच रहे हैं तो मतलब कैसे सर्वाइव करेंगे?
ये कंसर्न्स हमारे भी थे, लेकिन थैंक्स टू फैक्ट कि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए 3P और हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए जिन्होंने हमें एडवाइस किया, जिन्होंने हमें गाइड किया, फिर हम FBR के साथ भी गए और FBR ने भी हमें बताया कि येस वट एवर द इंफॉर्मेशन यू गॉट फ्रॉम द योर फ्रेंड्स इट इज़ करेक्ट। और हम लोग एक FES एक सिस्टम है यहाँ पे, आप सर्टिफिकेशन लें उनकी, आप जो भी रॉ मटेरियल्स लेके आते हैं उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, आप उसको कन्वर्ट करें, उसकी फिनिश गुड बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए एंड वी आर लुकिंग फॉर इट। ये चीज़ें हमारी इस दफ़ा इस एग्जीबिशन में क्लियर हुई हैं एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इन द कमिंग फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह। जैसे आपने बताया कि आपको कुछ मटेरियल बाहर से इम्पोर्ट भी होता है, इम्पोर्ट में बड़े मसाले आए हुए थे पाकिस्तान में इम्पोर्ट करने में, कोई LC नहीं खुल रही थी, डॉलर की वेरिएशन है, तो उस हवाले से वर्ल्ड वाइड आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान में प्रॉब्लम थे या दुबई में भी आपको फेस करने पड़े? प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं और नाउएडेज जो प्राइस हाइक है और जो मार्केट की सिचुएशन है, इश्यूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के इश्यूज़ कुछ ज़्यादा ही हार्ड थे और यहाँ पे बहुत इश्यूज़ हमें भी फेस आए, लेकिन लकीली सिंस वी वर हैविंग ऑफिस इन सेटअप इन UAE तो हमें वो चीज़ें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम किया उसने नहीं, और हमारे कस्टमर जो हैं वो अभी हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हैं। द रीज़न इज़ कि इस हार्ड टाइम में जहाँ पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और हम लोगों ने उनको सर्विसेज दी, उनको प्रोडक्ट पहुँचाया, सो दे आर सो हैप्पी विद अस नाउ। पाकिस्तान में बहुत सी कंपनी ऑलरेडी सर्वाइव कर रही है, काम कर रही है, तो मतलब वो एक कंपटीशन भी पैदा होता है, उस हमारे से क्या कहेंगे कि आपके भी नई कंपनी आप यहाँ पे भी लेकर आएंगे एस्टेब्लिश करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है मतलब? मार्केट हमारी ऑलरेडी डेवलप हो गई है, हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, शुरू में हमें काफ़ी दिक्कत रही, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि नहीं भाई वदान और तारिक और ये लोग वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे इंक बेचेंगे हमें, तो वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम इटली, तो कैसे एक UAE की कंपनी जो है वो इसको फेस कर पाएगी और या ये क्वालिटी और सर्विसेज दे पाएंगी। ये शुरू में हमें काफ़ी नुकसान रहा, 3 साल हम नुकसान में चलते रहे, लेकिन थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह और हमारे टीम जो कि दुबई में थी उन्होंने सपोर्ट किया, बैक किया इस बिज़नेस को, नाउ वी आर इन प्रॉफिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव मोर बेटर फ्यूचर इन दिस कंट्री इंशाल्लाह। अच्छा सर, थोड़ा सा अगर अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आपकी कंपनी वादान कब से एस्टेब्लिश है, कैसे इस फील्ड में आए और अब मजीद आप इसको मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं? मैं बिलोंग करता हूँ मरदान से, मरदान में एक स्मॉल टाउन है बख्शाली और वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और 1999 में मैं UAE गया था और वहाँ पे हम लोगों ने कुछ अरसा जॉब्स किए, फिर इस लाइन में आ गए, हमने टेक्नोलॉजी हासिल की और ये इस काम में हम लोग जो है वो हमने इस इंडस्ट्री में हम लोग इन हुए, और अभी जो भी हमने जॉब्स किए, जो भी हमने वहाँ पे एक्सपीरियंस किए, वही हमारे काम आ रहे हैं और हम लोग सक्सेसफुल हैं इन बिज़नेस नाउ। कि आप अपनी इतनी तरक्की की है कि आपने जॉब से अब आप अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, तो ये मतलब सारी है, एक तो देनेदारी और मतलब ईमानदारी और दूसरा एक डिवोशन होती है अपने काम के साथ, तो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो सर, एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे, मतलब कुछ सजेशन देना चाहेंगे प्रोडक्ट के हवाले से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो थोड़े से चीप प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं, वो कहते हैं यार अभी तो हमें थोड़ी सस्ता चाहिए, हमारा बजट कम है, तो उसमें उनको क्वालिटी सही नहीं मिलती, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि कामयाबी जिसे सक्सेस कहते हैं वो एक वर्ड है, और लोग कहते हैं कि मेहनत से जो है वो चीज़ आ सकती है, लिए सिर्फ मेहनत नहीं होती, इसके ऊपर बड़ी डेडिकेशन होती हैं, इसके सेक्रीफाइसेस काफ़ी होते हैं, आपकी ईमानदारी होती है, आपकी जो है वो उसको डिसिप्लिन होता है इसमें, तो कई चीज़ें जो है वो मिलके जैसे 5 उंगलियां एक साथ मिलके एक फिस्ट बनाती हैं, इसी तरह सक्सेस के लिए ये चारों पाँचों जो हैं वो चीज़ें होनी चाहिए, इसके साथ दुआ और कॉम्प्लीमेंट्स भी होती हैं और अल्लाह ताला की रहमत। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्ज़िबिशन है ये बहुत अच्छा है, इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट के काफ़ी वो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको चाहिए कि बिफ़ोर हैंड ये पूरा सेटअप करें, एक दिन दो दिन पहले, ये ना हो कि जिस दिन एग्जीबिशन हो, हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रही यहाँ पे, और फिनिशिंग में जिनके साथ हमने काम किया तो हम चाह रहे हैं कि वो प्रोफेशनल तरीके से करें, और इंशाल्लाह इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और इस तरह के इवेंट्स होते होंगे तो साथ साथ ये लोग भी सीखते जाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट देंगे।
लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग ज़रा कम है। इतनी बड़ी आप एग्जीबिशन करें, जब तक उसको मार्केट नहीं करेंगे, उसकी तशहीर नहीं करेंगे, एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे, लोग क्या पता कौन सी एग्जीबिशन। मुल्क में चाहिए कि हमें प्रोफेशनल्स और लोग इस तरह के प्रोफेशनल्स हों जो कि फिनिशिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें। यहाँ पे अगर मेरे स्टॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा स्टॉल बनाया हमने, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसमें रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए। हमारी फिनिशिंग अच्छी हो, हमारी एडवर्टाइजिंग अच्छी हो, और हम अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ तक लेके आएँ और अच्छे प्रेजेंटेबल तरीके से उसको करें, तो और भी इसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और एडवर्टाइजमेंट, यस फॉर श्योर, किसी को लाहौर में या दूसरी जगहों पे अगर इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उनको नहीं मालूम है कि 3P क्या है, तो इसके लिए टीवी पे और सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पे इसके लिए एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है, और लोग इसको विज़िट करें। अगर आप इस लाइन से रिलेटेड हैं, नहीं हैं, आपके पास नॉलेज आती है, आपको समझ आती है, आप बहुत कुछ सीखते हैं ऐसे इवेंट्स में, चाहे वो स्टूडेंट हो, स्पेशली यूथ हो, वो लोग आएँ, वो लोग हमसे डिस्कस करें। कल 2-3 ग्रुप्स आए, हमने उनको एजुकेट किया हमारे इंक्स के बारे में कि भाई इंक्स क्या होती हैं, किस तरह की पैकेजिंग के ऊपर किस तरह की प्रिंटिंग होती है। तो ये एजुकेशन है, ये नॉलेज है हर किसी को। स्पेशली मैं जोर दूंगा कि यूथ को, स्टूडेंट्स को आके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमारे स्टॉल पे 2 यंग स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें असिस्ट कर रहे हैं इस पे, तो इनको पता चल गया है कि इंक्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं और कैसे प्रिंट होते हैं। तो अगर इस तरह ये अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी, इस तरह के एग्जीबिशन हो। हमारी कंपनी 2 ब्रांड रखती है, एक वदान इज़ अ पश्तो नेम, जेंट्स नेम, मींस प्रॉस्परस एंड हैप्पी सक्सेसफुल, और रोस्टार ये भी एक हमने बनाया है फैमिली नेम से, माय वाइफ एंड माय सेल्फ, रोज़ रोजीना एंड तारिक, सो इट्स रोस्टार। सो ये हमारा ब्रांड है और ये 2 ब्रांड हम मार्केट कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल रजिस्टर्ड विद अथॉरिटीज़ हियर, दोनों रजिस्टर्ड हैं।